पदयात्रा निकाली और अपना विरोध दर्ज किया। साथ ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने आरक्षण में कटौती करके गरीबों के साथ धोखा करने की बात कही। कांग्रेस पार्टी की आरक्षण बचाओ पदयात्रा आज शुरू हो रही है। परिवर्तन चौक से हजरतगंज चौराहे तक ये पदयात्रा निकलेगी। आपको दिखाना चाहेंगे कि बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता यहां पर हाथों में तख्ती लेकर मौजूद हैं। प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू भी यहां पे मौजूद हैं और इसके अलावा पीएल पुनिया ये भी मौजूद हैं। इन लोगों से बात करेंगे। सर, आज ये पदयात्रा क्यों निकाली जा रही, क्या मकसद है इसका? भारतीय जनता पार्टी की सरकार दलित और पिछड़ों के आरक्षण को समाप्त करना चाहती है। इसी के विरोध में यह हमारा मार्च है। हमारी मांग है सरकार से कि जिस तरह हम सब लोगों को बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने संविधान में अधिकार दिया था, निश्चित रूप से हमें आरक्षण का अधिकार मिला था दलित को, पिछड़ों को। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसे समाप्त करना चाहती है। इसी विषय को लेकर आज हमारा मार्च है और सरकार को हम मजबूर कर देंगे कि उसे आरक्षण को पुनः लागू करना ही होगा। सर, अगर सरकार जो है मांगे नहीं मानती, ऐसी दशा में फिर क्या करेगी कांग्रेस? देखिए, कांग्रेस ने तो शुरू कर दिया है कार्यक्रम, सड़क पे उतरे हैं, पार्लियामेंट में उठाया था और पार्लियामेंट में मांग की है हमने कि कानून बनाया जाए। आज समय आ गया है जनता के सामने उनको जागरूक करने की आवश्यकता है, उनको बताने की आवश्यकता है कौन उनका सच्चा हितैषी है और कौन साजिश करके बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान में जो हमको अधिकार दिए हैं उन अधिकारों का हनन करने में लगे हुए वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी है। कैमरामैन अरशद के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ। आजमगढ़ से अगली खबर जहां